स्वास्थ्य विभाग के मिलीभगत के चलते अपोलो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर एक झोलाछाप डॉक्टर मरीजों के अल्ट्रासाउंड कर रहा है और नोडल अधिकारी एसीएमओ डॉक्टर विश्वास सिंह कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यह आरोप सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देते हुए लगाए। ज्ञापन के माध्यम से श्री तुरेहा ने सेंटर की जाँच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से न कराने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि उनकी मांग है कि इस मामले की जाँच मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाए। मामला पागबड़ा डिंगरपुर रोड स्थित अपोलो अल्ट्रासाउंड सेंटर से जुड़ा है, जिसका पंजीकरण समुचित प्राधिकरण डीएम शैलेंद्र कुमार के आदेश पर डॉक्टर आर के कंचर रेडियोलॉजिस्ट निवासी गाजियाबाद की डिग्री के आधार पर किया गया था। खास बात यह है कि सेंटर का पंजीकरण साठ गांठ करके एसीएमओ संजीव बेलवाल की संस्तुति पर समिति और समूची प्राधिकरण ने किया था, क्योंकि जिस वक्त सेंटर को पीसीपी एनडीटी एक्ट के तहत पंजीकरण की अनुमति मिली, उस समय डॉक्टर संजीव बेलवाल ही पीसीपी एनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी बताए जाते हैं। सेंटर संचालक मोहम्मद इमरान से साहब की नज़दीकियां होने के कारण डॉक्टर की डिग्रियां किराए पर लेकर इस खेल को अंजाम दिया गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद से आज तक इस सेंटर पर पंजीकृत डॉक्टर का भी कभी आना नहीं हुआ। उनकी गैर मौजूदगी में परवेज नामक झोला छाप डॉक्टर ही मरीजों के अल्ट्रासाउंड कर गलत रिपोर्ट दे रहा है। डॉक्टर रामेश्वर दयाल सर्वजन लोक शक्ति पार्टी डीएम साहब के पास आए थे, क्या क्या ले गए? अपोलो अल्ट्रासाउंड कैंप फर्जी तरीके से चल रहा है। उसने गाजियाबाद के डॉक्टर आर के कंचन के नाम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन डॉक्टर आर के कंचन आज तक कभी भी सेंटर पर नहीं आए, ना कभी बैठे। एक फर्जी परवेज नाम का व्यक्ति सेंटर चला रहा है, जो कि अल्ट्रासाउंड करता है और पूर्ण परीक्षण भी करता है। सीख से सीख बंद किया जाए और वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाए।